तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सार नॉलेज वर्स में। फ्रेंड्स आज हम आपको अपने प्यारे भारत देश के 10 ऐसे खतरनाक रास्तों के बारे में बताने वाले हैं, जिन रास्तों पर जाने की किसी भी आम इंसान के बस की तो बात ही नहीं है। ये रास्ते इतने खतरनाक हैं कि यहाँ पर जाने वाले इंसानों को हमेशा जान का खतरा बना ही रहता है। और साथ ही साथ इन्हीं में से कुछ रास्ते तो ऐसे भी हैं जहाँ पर जाने के लिए सबसे पहले सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है, और कुछ ऐसे भी हैं जो खतरनाक होने की वजह से साल में कुछ महीनों के लिए बंद भी रखे जाते हैं। और तो और फ्रेंड्स, इन रास्तों पर गाड़ी से सफर करने के दौरान अच्छे से अच्छे ड्राइवरों के तो पसीने भी छूट जाया करते हैं। तो चलिए देखते हैं फिर कि कौन सी है भारत की वो 10 सबसे खतरनाक सड़कें। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर ठोक डालो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं नेशनल हाईवे 22 हिमाचल प्रदेश की। फ्रेंड्स नेशनल हाईवे 22 जिसे हम सभी लोग हिंदुस्तान टीवर्ड रोड के नाम से भी जानते हैं, और ये रास्ता अम्बाला से शुरू होकर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश तक जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ के लोग इस रोड को नरक का रास्ता भी बोलते हैं। और इसे नरक का रास्ता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर खड़ी पहाड़ी को काट कर रास्ते को बनाया गया है, और इसके दूसरी साइड में एक गहरी और खतरनाक खाई भी है जिसमें कि अब तक बहुत से लोगों की गिरने से मौतें भी हो चुकी हैं। वैसे इस रास्ते पर ड्राइवर का एक गलत कदम और गाड़ी सीधा खाई में नजर आएगी। दोस्तों ये रास्ता बहुत ही पतला है, और इतना ही नहीं इसके मोड़ किसी किसी जगह पर तो इतने शार्प हैं कि गाड़ी को चलाते समय टर्निंग पर आगे का रास्ता दिखता ही नहीं है। अब अगर आप इतने में ही घबरा गए हो तो एक और खूबी है इसकी जो मैं आपको बता दूं कि सर्दियों के समय यहाँ पर ज्यादा बर्फ गिरने के कारण गाड़ी चलाना और भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि बर्फ के जमने के कारण आगे का रास्ता दिखाई ही नहीं देता है, और ये रास्ता बहुत ही ज्यादा स्लिपी भी बन जाता है। कोली हिल्स रोड तमिलनाडु। फ्रेंड्स तमिलनाडु के नमक्कल जिले में मौजूद ये कोली हिल्स रोड एक बेहद ही खतरनाक सड़क है। जैसा कि हम सबको इसके नाम से ही पता चलता है कि कोली हिल्स जिसका मतलब होता है मौत का पहाड़, बिल्कुल हमारे विराट कोहली की तरह खतरनाक। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये रोड अपने तीखे और खतरनाक घुमावदार मोड़ के कारण पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है, क्योंकि इस रास्ते पर लगभग 70 हाई पिन मोड़ हैं, मतलब कि ऐसे मोड़ जो बेहद ही शार्प मोड़ हों, और ऐसे में इस रास्ते में आप ओवरटेक करोगे तो आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए ही इस रोड पर कोई भी ड्राइवर ओवरटेक करने की सोचता भी नहीं है। जैसा कि आप सभी देख सकते हो कि इस रोड को आसमान से देखने पर ये बिल्कुल किसी सांप की तरह ही दिखता है। फ्रेंड्स ये रास्ता एक पहाड़ी पर मौजूद है जिसकी वजह से इसके दूसरे छोर पर गहरी खाई भी है जो इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। करचम चिटकुल हिमाचल प्रदेश। फ्रेंड्स ये रोड हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में मौजूद है। ये रास्ता एडवेंचर और सस्पेंस से भरा हुआ है। पथरीली चट्टान पर बने इस भयानक रोड के एक तरफ खाई है तो वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े पत्थर की चट्टानें, जिनसे अगर टकरा भी जाएं तो गाड़ी का कचूमर बनने में देर नहीं लगेगी। और तो और इस रोड पर कई सारे गड्ढे भी मौजूद हैं, जिसके चलते इस रोड पर गाड़ी ड्राइव करना आसान बात नहीं है। आपको बता दूं कि ये रोड करीब 42 किलोमीटर लंबी है, और ये सड़क संगला वैली से स्टार्ट होती है, और इस रोड के स्टार्टिंग के 19 किलोमीटर का सफर रोमांच से भरा हुआ है। साथ ही साथ ये सड़क इतनी पतली है कि एक बार में इस रास्ते पर एक ही गाड़ी गुजर सकती है। फ्रेंड्स अगर आप भी रोमांच से भरे सफर के शौकीन हैं, तो एक बार यहाँ जाना तो बनता है इस रोड का मजा लेने के लिए। बमला पास अरुणाचल प्रदेश। फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में मौजूद ये रास्ता इंडो चाइना बॉर्डर के पास से होकर के गुजरता है, और हाँ फ्रेंड्स ये रास्ता समुद्र तल से लगभग 14,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर बना हुआ है। इतनी ऊंचाई में बने होने के कारण ही यहाँ पर लोगों के ड्राइव करते समय ऑक्सीजन की कमी के चलते सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से ये रास्ता और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वैसे फ्रेंड्स इंडो चाइना बॉर्डर के पास में होने के कारण यहाँ पर जाने से पहले परमिशन लेनी पड़ती है, और ये परमिशन आप तवांग के डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से ले सकते हैं। और हाँ आपको बता दूं कि यहाँ पर बर्फबारी के कारण ये रास्ता बंद भी हो जाता है। फ्रेंड्स मई से अक्टूबर के बीच यहाँ का मौसम काफी अच्छा रहता है, इसलिए मोटरसाइकिल राइड करने के शौकीन लोग अक्सर इस दौरान यहाँ पर ड्राइव करने आते हैं। गाटा लूप्स लद्दाख। दोस्तों यहाँ पर जाना ड्राइवर्स के लिए बुरे सपने से कम नहीं है। आपको बता दूं कि ये रोड जिगजैग में बनी हुई है, और इसके कारण ही इसमें काफी ज्यादा शार्प टर्निंग मौजूद है, जिसकी वजह से ऊपर से देखने पर किसी कुंडली मारकर बैठे सांप की तरह दिखती है। दोस्तों यहाँ पर बड़े से बड़े एक्सपीरियंस ड्राइवर गाड़ी चलाने से डरते हैं, और हाँ इस रोड पर अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिसकी वजह से इस रोड को लेकर काफी अंधविश्वास भी बढ़ता जा रहा है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर मरे हुए ट्रक ड्राइवर की
आत्माएं दिखाई देती रहती हैं। वैसे तो ये सब अफवाहें हैं, पर यहाँ पर इसको खतरनाक बना देता है यहाँ का बर्फीला मौसम, जिससे कि लोग इस रोड को नजरअंदाज करते हैं। नथुला पास सिक्किम। फ्रेंड्स, ये सड़क सिक्किम में मौजूद है। वैसे ये रोड भी इंडो चाइना बॉर्डर के पास ही मौजूद है और ये सड़क समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ी पर बनाई गई है, जो इस सड़क को और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। फ्रेंड्स, इस सड़क पर आए दिन तूफान भी आते रहते हैं, इसलिए ही इन तूफानों की वजह से इस रोड को बंद कर दिया जाता है। आपको बता दूं, यहाँ पर अक्सर लैंडस्लाइड होते रहते हैं, जिसकी वजह से ये सड़क और भी ज्यादा खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि अगर आप इस सिचुएशन में फंस गए तो आपके बचकर निकलने के चांस ना के बराबर हैं। फ्रेंड्स, बामला के जैसे ही यहाँ पर भी परमिशन लेके ही जाना पड़ता है। जोजिला पास हिमालय। फ्रेंड्स, ये रोड वैसे तो लद्दाख के कारगिल में मौजूद है। वैसे इस रोड को नेशनल हाईवे 1 के नाम से भी जाना जाता है। और मैं आपको बता दूं कि इस रोड की समुद्र तल से ऊंचाई 11,500 फीट की है। फ्रेंड्स, वैसे तो गर्मियों के मौसम में तो आसानी से गाड़ी चला लोगे, लेकिन वहीं सर्दियों के मौसम में इस जगह का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, और साथ ही साथ इतनी ऊंचाई में ऑक्सीजन की कमी भी होती है। इन्हीं सब की वजह से इस रोड को और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। वहीं इस रोड के एक तरफ पथरीली चट्टाने हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गहरी खाई। ऐसे में अगर दो बड़े वाहन आमने सामने आ जाएं, तो एक दूसरे को क्रॉस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हालांकि ये खतरनाक होने के साथ साथ हिमालय की घाटी में इस रोड पर ड्राइविंग के शौकीन अक्सर गर्मियों में यहाँ पे ड्राइव करने का मजा लेते हैं। खारदुंगला पास। भारत और चीन के बीच सिल्क रोड पर स्थित खारदुंगला पास समुद्र तल से करीब 5,602 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों, ये रास्ता पूरी तरह से फिसलन भरा है, जिससे इस रोड पर ग्रिप बनाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि इस रोड की टर्निंग इतनी शार्प और खतरनाक है कि आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। दोस्तों, यहाँ इतनी बर्फ गिरती है कि इस रोड के दोनों तरफ बर्फ की मोटी दीवार बन जाती है। इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रोड कितनी स्लिपी होगी। यही वजह है कि आम लोग इस रोड पे ड्राइव करना अवॉइड करते हैं। दोस्तों, यहाँ ड्राइव करना हर किसी के बस की बात नहीं, बस कुछ एक्सपीरियंस ड्राइवर्स ही यहाँ पर ड्राइव करने जाते हैं। NH 66 महाराष्ट्र। दोस्तों, वैसे तो ये सड़क महाराष्ट्र में मौजूद है और ये सड़क सपनों के शहर कहे जाने वाले मुंबई को गोवा से जोड़ता है। हालांकि अगर इस सड़क को देखें तो एक नजर में तो आम सड़क ही नजर आती है, लेकिन हम आपको बता दें, इस सड़क में भयानक मोड़ भी मौजूद हैं और इसकी वजह से सामने से आने वाले वाहनों का पता ही नहीं चलता है, और साथ ही साथ में इस रोड पर डिवाइडर मौजूद भी नहीं है, इसलिए ये सड़क और भी ज्यादा खतरनाक बन जाती है और यहाँ पे अक्सर हादसे भी होते रहते हैं। और आखिरी में जो सड़क है वो रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश है। दोस्तों, ये सड़क हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। वैसे ये रोड मनाली से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर ही मौजूद है और ये खतरनाक है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, रोहतांग, जिसका की मतलब होता है मुर्दे का ढेर। इसे ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि बर्फीले मौसम में कई लोग इस रोड को क्रॉस करने के चक्कर में हादसों का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोग अपनी जान गवा बैठते हैं। इसलिए गवर्नमेंट इसे 5 महीनों के लिए बंद कर देती है। यहाँ पर इतनी बर्फ गिरती है जिसकी वजह से एक मोटी चादर बन जाती है और यहाँ पे बहुत ही फिसलन हो जाती है। और मैं आपको बता दूं, इस रोड में लैंडस्लाइड भी होते रहते हैं, इसलिए ये सड़क और भी ज्यादा खतरनाक बन जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मौका मिले इनमें से किसी एक सड़क पर गाड़ी चलाने का, तो आप किस रोड पर गाड़ी चलाना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। अब मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।